सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की लास्ट वीडियो जो कि हमने होने वाली है फिनाइल कीटो यूरिया के ऊपर। तो फिनाइल कीटो यूरिया जो है ना, सबसे पहले याद रखना ये अपना मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि अपने अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म किया मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो है उसे बोलते हैं फिनाइल कीटो यूरिया। और फिनाइल कीटो यूरिया को समझने के लिए अगर तुमने मेरी टायरोसिन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो यार मैं बताऊं तुम्हें आज की वीडियो बहुत कम समझ में आएगी, क्योंकि टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में मैं आपको पूरी चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, आप जाके देख लो। क्योंकि एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो अपने सीनियर की सारी बातें मानता है, क्योंकि ना इस सीक्वेंस का पूरा खेल होता है। सही सीक्वेंस में अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारी सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। चलो अपन बात करते हैं मेन टॉपिक पे। सो मैंने आपको अपने टायरोसिन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली बताया था कि शुरुआत होती है फिनाइल एलेनिन से। अब फिनाइल एलेनिन क्या होता था, मैंने आपको बताया मैराथन में भागता है और चेंज अपना होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलेनिन की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, मेनली बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन की डेफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि अपन को जाना जेनेटिकली डिसऑर्डर है। मतलब मैं आपको समझाऊं, मतलब उनको क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव उनको डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या है ना, अपने जीन ही नहीं अपने पास ये एंजाइम बनाने के। सो उस कंडीशन में क्या होगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा और फिनाइल एलेनिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा, और इसी चीज को अपन बोलते हैं फिनाइल कीटो यूरिया। सो मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब इसको अपन और फर्दर डिटेल में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, अपन को पता है फिनाइल एलेनिन को किसमें चेंज होना है, भैया इसको चेंज अपना हो रहा है टायरोसिन में, ठीक है, बट वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पा रहा। तो फिर फिनाइल एलेनिन क्या बोलता है, देखो भाई अपन क्या छोटे मोटे आदमी नहीं है, टायरोसिन में चेंज नहीं होना क्या बनता है, अपन चेंज हो जाएंगे अब दूसरे चीजों में। तो फिनाइल एलेनिन अपना को बड़वा समझता है और फिर फिनाइल एलेनिन क्या करता है ना, विद हेल्प ऑफ ट्रांसअमाइनेज एंजाइम वो चेंज अपना हो जाता है फिनाइल पायरूवेट में। फिर फिनाइल पायरूवेट को फिर अपन चेंज कर देते हैं फिनाइल एसिटेट में, और यहाँ पे ये वाली रिएक्शन में अपन को एक एनर्जी मिलती भी है, एक एनएडी एच अपन को मिलता भी है। सिमिलरली अगर फिनाइल पायरूवेट अपना चेंज हो जाता है फिनाइल एसिटेट में, तो यहाँ पे एक एनर्जी अपनी यूज होती है। याद रखना ये वाली रिएक्शन में अपन को एनर्जी मिलती है, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। सो मेनली यही पाथवे रहता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी मिल रही है, तो फिनाइल पायरूवेट अपना चेंज हो जाता है फिनाइल एसिटेट में, यहाँ पर अपन को एक एनएडीएच मिल जाता है। देन फिनाइल एसिटेट में अपन एक ग्लूटामिन का मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं और फिर ही अपना बन जाता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन। तो इस तरीके से फिनाइल एनिलीन जो है फिर अपनी बटवाजी दिखा के फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामिन में चेंज हो जाता है। मेरी अपनी बॉडी के अंदर जो है ना, मेनली जो फिनाइल कीटो यूरिया जो होता है ना, वो फिनाइल एनिलीन के कारण ही हो जाता है। और क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये जो चेंज जो हो रहा है ना इनके सब्सटेंस, ये वाले सब्सटेंस भी अपने क्या होते हैं ना, बॉडी के अंदर फिर ज्यादा हो जाते हैं। सो इसको ना मैं आपको मेरे नोट्स में फर्दर डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो मेरी नोट्स में भी देखो सारी वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला कि मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्यों होगा, अपना फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कमी के कारण होगा। फिर यहाँ सत्यनारायण में एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट लिखा है। अब क्या होता है ना, फिनाइल एनिलीन जो है, जाहिर सी बात है अगर अपनी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको अपन बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन। अब टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन जो है ना, ये क्या करता था, फिनाइल एलेनिन एंजाइम जो है उसके एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और क्योंकि फिनाइल एलेनिन एंजाइम की कमी हो गई, तो इस सब्सटेंस की भी कमी हो जाती है, और ये जो अपना एंजाइम जो है ना, जो बच्चा कुछ फिनाइल एलेनिन एंजाइम जो है वो भी फिर अच्छे से वर्क नहीं करता। तो ये एक एंजाइम यहाँ पे लिखा हुआ था सत्यनारायण में इसके बारे में। सो मैं तुम्हें ना ये भी बता दिया। फिर अपन बात करते हैं कि मेनली फिनाइल कीटो यूरिया से डिसीज कैसे होती है। अब क्या होता है ना, अब जो फिनाइल एनिलीन जो है वो क्या रहता है ना, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो ब्लड से अपने आता है टिश्यू में, देन टिश्यू में चले जाता है। अब क्या होता है ना, ब्लड से कौन से टिश्यू में जाएगा, वो कहते हैं ना कभी कभी अपना फिनाइल एनिलीन जो रहता है ना, वो अपना ब्रेन के टिश्यू में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। अब ब्रेन के टिश्यू में डिपॉजिट होगा, तुम खुद सोचो ब्रेन के टिश्यू में डिपॉजिट होगा फ्रंटल कॉर्टेक्स में, तो क्या होगा, अपना मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा। तो पेशेंट का है ना क्लिनिकल साइन है, उसका मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है। जैन अगर हम मोटर कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है ना, तो मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है, फिजियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे, मोटर कॉर्टेक्स चलने में मदद करता है। अगर वहां अगर फिनाइल एनिलीन डिपॉजिट हो गया, तो वहां के टिश्यू खराब होंगे, वो पेशेंट याद रखना अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगा, चलने में प्रॉब्लम होगी, उसको दौरे पड़ने लगेंगे, सीजर उसको आने लगेंगे, क्योंकि ब्रेन में फिनाइल एनिलीन डिपॉजिट हो रहा है, ब्रेन के टिश्यू खराब हो रहे हैं इसके अंदर, इसलिए। तो यहाँ पे मेनली वो ब्लड और टिश्यू के अंदर जो है ना अपना आने लगता है। फिर मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला दिन देखो, तो क्लिनिकली यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट का मेंटल रिटार्डेशन होता है,
वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाता, ठीक है ना, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और यहाँ पे उसको सीजर मतलब दौरे वगैरह यहाँ पे जो पड़ने लगते हैं उसको दौरे वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है ना, ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन जो है ना वो ब्रेन का न्यूरो ट्रांसमीटर है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल एलनिन डिपॉजिट हो रहा है, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा आपको पता है, फिर अपन देखते हैं पिगमेंटेशन में किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो आपको पता है अपनी स्किन जो है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसमें बोलते हैं मेलानिन। वो किससे बनता है, वो अपना बनता है टायरोजिन के मेटाबॉलिज्म से। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फिनाइल एलनिन टायरोजिन में ही चेंज नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है टायरोजिन ही नहीं बन रहा, तो अपने स्किन का पिगमेंट ही नहीं बनेगा, जिसके कारण मैंने आपको ये अपनी पुरानी वीडियो थी इसमें भी बोला था, उसके कारण क्या होगा ना, अपना स्किन कैंसर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है वो उनको मेलानिन स्किन कैंसर से एक्स्ट्रा जो सनलाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करता था। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी रिएक्शन भी होने लगती है, तो यहाँ पे मेलानिन का फॉर्मेशन भी जो है वो अपना इम्पेयर हो जाता है। तो सारी चीजें जो है ना मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। तो क्या होता है ना, मेलानिन इज अ पिगमेंट सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोजिन बाय टायरोजिनेज, एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल एलनिन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट टायरोजिनेज। अब क्या होता है ना, ये जो एंजाइम है ना टायरोजिनेज, ये एंजाइम ही अपने टायरोजिन से मेलानिन बनवाने में हेल्प करता था। अब क्योंकि फिनाइल एलनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब्सटेंस अपने टायरोजिनेज एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण इसका जो है फॉर्मेशन नहीं हो पाता, किसका, मेलानिन का। तो मैंने ना इसको और डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो ये सारे नोट्स जो है ना आप लिखने में फालतू मेहनत मत करना, तुम लोग देखो मजदूर नहीं हो, मैं कितने बार बोलूं, तुम लोग एक डॉक्टर बन रहे हो, तुम स्मार्ट लोग हो, स्मार्ट वर्क करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स को ऑर्डर करो, ये बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं, जिसके कारण आप मात्र 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हो। उसका नाम भी है बायोकेमिस्ट्री 7 डेज। सो यूनिवर्सिटी में कभी आता है तो आपको कैसे लिखना है, देखो बड़ा ही इजी है, यूनिवर्सिटी में आएगा तो शॉर्ट नोट में आएगा, और शॉर्ट नोट में ना इतना लिख दो काफी है, हेडिंग डालना है, 3 पॉइंट लिख देना, इसका डेफिनेशन टाइप, फिर ये पूरा फ्लो चार्ट आधे पेज में बनाना, कितने बार आ गए आपका, एक पेज बार आ गया। देन अगले पेज में आपको फिनाइल एलनिन मेटाबॉलिज्म गाइडेंस डाल के ये वाला पॉइंट लिख देना, देन क्लिनिकल फीचर लिख देना, देन इफेक्ट लिख लेना। तो सही तरीके से लिखोगे तो आपके 2.5 पेज और 2 पेज आराम से यूनिवर्सिटी में भरा जाएंगे, और इतना इनफ होता है आपको 5 नंबर लाने के लिए, क्योंकि मेन ना कंटेंट देखते हैं वो लोग, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, पेजेस भरने से कुछ नहीं होता, वरना फालतू में 5-5-10-10 पेज भर दो उससे कोई मतलब नहीं है। सो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी मोर कंटेंट के लिए। So thanks for watching and keep learning.